ताजमहल से लेकर इमामबाड़े तक, बनारस के घाटों से लेकर प्रयाग के संगम तक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक, ये प्रदेश किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये वो प्रदेश है जिसके सपूतों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया है। राजनीति से लेकर कला तक और संस्कृति से लेकर खेल तक, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने अपना परचम लहराया है। राजनीति के धुरंधरों में जवाहरलाल नेहरू से लेकर गोविंद बल्लभ पंत जैसे कई लाल इसी मिट्टी में जन्मे हैं। इसी धरती ने हिंदुस्तानी सिनेमा को कैफी आजमी और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों से नवाजा है। खेल जगत में मेजर ध्यानचंद से लेकर सैयद मोदी जैसे कई धुरंधरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश को पहचान दिलाई है। अयोध्या और वृंदावन की गाथाएं पौराणिक काल से चली आ रही हैं। बरसाने की होली और मथुरा की पेड़े, कन्नौज के इत्र और मिर्जापुर की कालीन पूरी दुनिया में मशहूर है। गन्ने के खेतों से निकलने वाली खुशबू यहाँ आने वालों के दिलों में मिठास भर देती है। यहाँ की लोक संस्कृति भी अपने आप में निराली है। कजरी के गीत हों या कथक की थाप, किसी भी कार्यक्रम में बड़ी आसानी से समा बांध देती है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े इस प्रदेश को इसकी पहचान मिली 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तभी से इस दिन को उत्तर प्रदेश के दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। विविधताओं और कलाओं से भरा है उत्तर प्रदेश, तभी तो कहते हैं इसे उम्मीदों का प्रदेश।